हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ नेहा। आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर दो प्याज़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए पहले मैंने दो टमाटर ले लिए हैं, उनको धो लिया है और प्याज को ऐसे क्यूब्स में कट कर लिया है। साथ ही मैंने इधर पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था, तो उसमें अब ये क्यूब्स हम डाल देंगे और इसको एक उबाल आने तक हल्का सा बॉयल कर लेंगे। ये देखिए, इसमें एक बॉयल आ गया है, हमारा प्याज और टमाटर बॉयल हो गया है। अब मैं इसको प्याज को अलग निकाल लूँगी और टमाटर को अलग निकाल लूँगी और फिर ठंडा हो जाने दूँगी। अभी मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है, इसको गर्म कर लिया है। अब इसमें हमने जो प्याज को बॉयल किया था उसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा ही करेंगे, बस इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाए। देखिए, प्याज हमारा हो गया है, बस हल्का सा मुझे इसको गोल्डन ब्राउन करना था। अब हम इसको निकाल देंगे। अब मैं इसमें डालूंगी पनीर, उसको भी हल्का सा फ्राई करेंगे। पनीर सॉफ्ट होता है तो हम इसको हल्के से थोड़ा फ्राई कर लेंगे, बस इस पर गोल्डन ब्राउन कलर की लेयर आ जाए। ये देखिए, जो टमाटर मैंने बॉईल किया था ये रेडी है। इसको इसकी मैंने स्किन निकाल ली है और इसको अब ब्लेंड कर लेंगे। इसमें आप काजू थोड़ा ऐड करें और इसकी ग्रेवी बना लें। इसमें पानी ना ऐड करें, ऐसे ब्लेंड कर लें, बिकॉज टमाटर में ऑलरेडी पानी होता है, तो ऐसा कोई नीड नहीं है। अब इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी। चलिए, अब इसकी ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं। वही पैन ले लिया है मैंने, इसमें थोड़ा ऑयल ऐड करा है। इसमें मैं डालूंगी खड़े मसाले, जिसमें मैंने लिया है दालचीनी, करी पत्ता, लौंग एंड ये बड़ी इलायची है और काली मिर्च है। आप जो जो पसंद करते हैं वो वाले खड़े मसाले डाल सकते हैं। मैं पहले ऐड करूंगी ये सारे खड़े मसाले। साथ में हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा, हल्का सा भून जाने देंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कटा हुआ प्याज। पनीर दो प्याज़ा बना रहे हैं तो प्याज थोड़ा ज़्यादा डालेंगे और इसको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। ये प्याज देखिए भुन गया है। अब मैं इसमें डालूँगी सूखे मसाले, जिसमें धनिया पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर, साथ में हल्दी एंड गरम मसाला पाउडर। इन सबको भी थोड़ा सा स्लो फ्लेम पे आप भून लें। देखिए, मसाला भुन गया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी जो हमने ग्रेवी बनाई थी, टमाटर और काजू की, इसको डाल के इसको भी अच्छे से भूनेंगे और साथ में मैं थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दूँगी ताकि अच्छे से इसका पानी छूटे और अच्छे से पक जाए। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना भी खाते हैं वो ऐड कर लें। ये देखिए, हमारी ग्रेवी में अच्छा सा उबाल आ रहा है, तो थोड़ा सा हम पानी डिसॉल्व होने तक इसको अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए, ग्रेवी हमारी भून के एकदम रेडी है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी जो हमने प्याज फ्राई किया था और पनीर, और इसको अच्छे से ढक के 2 मिनट के लिए पकने देंगे। हल्का सा पानी भी डाल लें अगर आपको ग्रेवी वाला चाहिए पनीर, तो थोड़ा सा पानी डाल के इसको 2 मिनट के लिए हम पकाएंगे। ये देखिए, सब्ज़ी हमारी रेडी है। अब इसमें मैं ऊपर से डालूंगी थोड़ा सा कसूरी मेथी, उसे अच्छा टेस्ट आ जाता है, खुशबू भी आती है काफ़ी। साथ में हम इसकी फ्लेम ऑफ कर दीजिए और हम डालेंगे ग्रीन, इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। हल्का सा धनिया पत्ता गार्निशिंग के लिए और इसको ढक दीजिए। 2 मिनट में आप रोटी पराठा किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसकी प्लेटिंग करके दिखाऊंगी। ये देखिए, सब्जी हमारी रेडी है।
पनीर तो प्याजा, आप इसको जरूर ट्राई कीजिए और बताइए आपको रेसिपी मेरी कैसी लगी। एंड कीप लाइक्स माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड मिलते हैं अगली रेसिपी में एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।